सभी लोगों का हमारे स्टैंडर्ड फूड सीता में स्वागत है। तो हम आज बनाने वाले हैं हरी मिर्च का अचार। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी हरी मिर्च है, तो हमें इनको धुलना है। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें इनको धुलना पड़ेगा। तो ये हमारी हरी मिर्च देखो धुल रही हैं। इनको हमें एक थाली या प्लेट में निकाल लेना है। हरी मिर्च धुल के रेडी हो चुकी हैं। हमें इनके डंठलों को तोड़ देना है, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे और जल्दी से, इसीलिए हमें इन सभी के डंठलों को निकाल के एक साइड में कर देना है। उसके बाद हमें इनको सुखाना है। देख सकते हैं आप लोग, तो देख सकते हैं आप लोग हमारे ये डंठल टूट के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको तोड़ दिया है, तो अब ये सुखाने के लिए परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको 1 से 1.5 घंटे के बीच इनको धूप में सुखाएंगे, क्योंकि इनका पानी सूखना ज़रूरी है। ये अचार हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए इनका पानी अच्छे से सूख जाने के बाद ही हम इनका अचार बनाएंगे। देखिए गाइस, ये हमारी मिर्ची सूख कर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी बिल्कुल मिर्ची सूख चुकी है। अब हमको इस प्रकार कुछ इनको कट करना है बीच से। देख सकते हैं आप लोग, ये कट हो चुकी है। सभी मिर्चियों को ऐसे ही कट कर लेना है। इसी प्रकार सभी मिर्चियों को कट कर लीजिए। हमारी मिर्ची कट कर रेडी हो चुकी है। तो अब हमें इसमें मसाले क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं। तो ये हैं हमारे मसाले, ये सौंफ है, ये सरसों है, ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा है, ये धनिया है, और यहाँ पे ये कलौंजी है, इसे भी हमें डाल लेना है। ये सभी मसाले भुने जाएंगे, सिर्फ हल्दी को छोड़ के, हल्दी पाउडर में नहीं भुनना है। और ये बाकी सारे मसाले भून लीजिए। उसके बाद सभी को मिक्स करना है। हमें इन मसालों को भुन के पीस लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें नमक का भी उसमें प्रयोग करना है, क्योंकि नमक भी आप पीस लीजिए इन मसालों के साथ। हमको मिर्च को खट्टा करने के लिए यहाँ पे हमने खटाई ली है, आप आमचूर भी ले सकते हैं। अब हमारे ये मसाले भुनने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही मसाले हमें भुनने हैं, जितने भी हमने बताए थे अभी, उन सभी मसालों को डाल के ऐसे ही भुनना है। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही धीमी धीमी आंच पे इनको भुनना है। देख सकते हैं आप लोग, हल्का गोल्डन होने तक हमें इन्हें भुनना है। ये हमारे मसाले भुनकर रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे मसाले भुन चुके हैं। हमें मसालों को पीसने के लिए ना ज़्यादा मसालों को बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। हमें दरदरा मसाला इसमें पीसने की ज़रूरत है, तो अचार खाने में ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगेगा। हमारे मसाले देखो पीसकर रेडी हो चुके हैं। अब इनमें हम हल्दी ऐड कर रहे हैं, और सरसों का तेल भी ऐड इसमें करना है। देखो ये हमारा तेल मिक्स हो रहा है। हमारा ये मसाला देखिए, सभी सामग्री मिक्स होकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब हमें इसमें मिर्च में हमें इनको ऐसे ही डालना है। देख सकते हैं आप लोग कैसे डाला जाता है। हमें ऐसे ही सभी मिर्च को भर लेना है एक एक करके। देखिए इसमें भर कर हमको ऐसे ही जार में रखना है। ये हमने धुल के और सुखा के रखा है, इसी में हमें सारी मिर्च को डालना है।
देखिए हमारी मिर्च भरकर रेडी हो चुकी है। तो हम तो इसे हफ्ते या दो हफ्ते के लिए बना रहे हैं। आप चाहते हैं तो इसे सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हमें इसमें सरसों का तेल पूरी तरीके से भर देना है, क्योंकि डूबे रहे हमारी मिर्च तो इसलिए ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और आप मतलब सालों साल ही इसे रख सकते हैं स्टोर करके, और बीच बीच में इसको धूप में सुखाते रहिए। तो ये हमारी मिर्च का अचार वैसे का वैसा ही बना रहे। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।